in Pakistan now, virtually there's no terrorism in Pakistan, and I have to pay tribute to our security forces. They did such a brilliant job. And the worst thing that could happen is if there's a conflict between Iran and the US and its allies, it'll be a disaster. I spoke to President Trump yesterday, and I told him that this would be a disaster for us if this war starts. जंगों में सिर्फ तबाही लड़ाई शुरू की जा सकती है मगर उसे खत्म करना किसी के हाथ में नहीं होता ट्रंप को बता दिया ईरान के साथ जंग हुई तो बहुत बड़ा मसला बनेगा मसाइल का हल और अमन का कयाम सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ अब मुल्क से ये नासूर खत्म हो चुका हुकूमत की तवज्जो सिर्फ मौशी इस्तेहकाम पर है वजीर आजम का डिवोर्स में आलमी इक्तसादी फोरम से खिताब दो हजार बीस पाकिस्तान की तरक्की का साल मुश्किल माशी फैसलों के बायस सख्त अवामी रद्देमल का सामना किया मुल्क में रोजगार के मौके पैदा किए सरमायाकारी भी ला रहे हैं इदारों को मुस्तहकम बनाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है वजीर आजम इमरान खान अमरीका समझता था अफगान मसले का हल ताकत का इस्तेमाल है माजी की हुकूमतों ने वॉशिंगटन से वादे करके गलती की पुलवामा हमले के बाद भारत ने सबूत देने के बजाय हमारे इलाकों में बमबारी की वजीर आजम का डिवोर्स में बैनुल अक्वामी मीडिया काउंसिल से खिताब फैसला कर लिया किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे स्ट्रेटेजी डायलॉग फोरम में इजहार ख्याल डेवोस में इमरान खान से आईएमएफ की सदर यूट्यूब सिमंस और सैप के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की मुलाकात एशियाई तरक्याती बैंक के सदर भी मिले इमरान खान की सिंगापुर के हमनसब और आजरबाईजान के सदर के साथ भी बैठक दो तरफा तआवुन पर बातचीत ट्रंप के साथ मुलाकात मुफीद रही वजीर आजम इमरान खान ने अहम उमूर उठाए अमरीकी सदर ने जल्द दौराए पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान और अमरीका का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक इमरान खान का मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीकी किरदार की जरूरत पर जोर मुलाकात का ऐलामिया जारी में खौफनाक आतिजदगी खाने को कुछ बचा ना ही ओढ़ने को गवर्नर सिंध की जानिब से खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन में खैमे तकसीम जान के अलावा और कुछ नहीं बचा जो कुछ था घर में सब जल गया राख हो गया बर्तन नहीं है कुछ खाने का कुछ कप नहीं है राशन नहीं है कुछ आटा वाटा कुछ चीनी वगैरह वो नहीं है पैसे नहीं है को बच्चों का कपड़े नहीं है को बर्तन नहीं है को राशन नहीं है अभी तक हमारे को एक न टोकन मिला है न कंबल नहीं को तंबू मिला कुछ काम का ऐलान सूबाई हुकूमत की मुतासरीन के मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत आटा बहरान वबाले जान गरीब आज भी रोटी के लिए परेशान गिरा फरोशों की मनमानियां मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग रेट्स 60 से 75 रुपए फी किलो तक फरोख शहरियों की महंगाई महंगाई की दोहाई आटा चीनी बहुत महंगी है बहुत सब्जी आलू बहुत महंगे कहने पर दुनिया जाए दो रुपए में क्या बनता है आप पेट्रोल आप 10 रुपए महंगा करते हैं उसके साथ कितनी चीजें महंगी हो जाती है आटा 10 रुपए से करके 2 रुपए सस्ता के क्या करना कोयटा के नानबाई भी ढिटाई पर उतर आए रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा 24 जनवरी से हड़ताल की धमकी पेशावर में रोटी का वजन कम करने के बाद तंदूर खुल गए पकड़ धकड़ और मुकदमात पर लाहौर में चक्की मालिकान की हड़ताल आटा बहरान में कौन कौन मुलव्वस किसने कितना माल बनाया एफआईए एक्टिव तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बन गई फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ हुकूमती नुमाइंदों के किरदार का भी जायजा लिया जाएगा की ख्वाहिश का एहतराम
चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर ने आटे के थैले लीकी रहनुमा के घर भिजवा दिए। अगर गंदम मौजूद है तो आवाम को आटा क्यों दस्तियाब नहीं है, महंगे दामों क्यों दस्तियाब है। डेढ़ साल में पंजाब में 5 IG बदल सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 4 IG बदल सकते हैं, वहां कोई एतराज नहीं, तो ये सिंध के साथ स्पेशली क्यों। आटे के बहरान पर वुजरा के बयानात में तजाद, गंदम मौजूद है तो फिर कीमत क्यों बढ़ी, कमर जमान कायरा का सवाल। पंजाब में 5 IG बदले गए, सिंध हुकूमत को भी तब्दीली का इख्तियार मिलना चाहिए। पीपी रहनुमा। महंगाई से आवाम का जीना हराम, हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि शाबाश दी जाए। हुक्मरानों का विजन आज भी अंडा और मुर्गी ही है, सिराजुल हक। हुकूमत के बाज हवारी हमारे क्लिप्स दिखाकर गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तनकीद नहीं करते तजावीज देते हैं। बातों को मुखालफत के जुमरे में नहीं लेना चाहिए, हमें महज इत्तेहादियों की कैटेगरी में ना रखा जाए। चौधरी शुजात का रद्दे अमल, हमेशा आवाम को फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी की कोशिश की। चौधरी परवेज इलाही। फॉरवर्ड ब्लॉक वालों को वजीर आला पंजाब का बुलावा आ गया। उस्मान बुस्तार ने कल मुलाकात के लिए बुला लिया। प्रेशर ग्रुप के 20 अरकान तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। वजीर आला पंजाब का तुर्बत का दौरा, बलूचिस्तान के अवाम को पंजाब में कारोबार करने की दावत। बैन सूबाई राबतों से सकाफत को फरोग मिलेगा। उस्मान बुज़दार का बलोची में तकरीब से खिताब। सिंध का IG कौन, सूबाई हुकूमत ने मजीद 2 नाम विफाक को भिजवा दिए। सनाउला बास्ती और इनाम खनी शामिल। साइंस सरकार ओहदे के लिए पहले भी 3 नाम भिजवा चुकी है। IG के मामले पर वजीर आजम से एक नहीं कई बार राबता हुआ। विफाक ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बना लिया। गंदम खरीदारी में कोई ताखिर नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट की वजह से मसला पैदा हुआ। वजीर आला सिंध। पुलिस सरबरा अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सूबाई हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा है। IG सिंध के मामले पर वजीर आजम से तफसीली गुफ्तगु हुई थी। कलीम इमाम की तब्दीली का फैसला मुशावरत के बाद ही किया गया था। सिंध में गंदम की कमी नहीं, सईद खानी। एमक्यूएम के लोगों से खायफ होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये हुकूमत छोड़ देंगे। ये हुकूमत छोड़ नहीं सकते, आपकी हुकूमत खत्म होने के बाद भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। भाई आप चले जाओगे ये नहीं जाएंगे, आप चले जाओगे ये नहीं जाएंगे। इसलिए कि इनकी करप्शन की सांसें हुकूमत में रहने की वजह से चल रही हैं। ये सब पकड़े जाएंगे अगले दिन से। राबता कमेटी से लेकर नीचे कौंसलर तक हर आदमी करप्शन कर रहा है। मुतहेदा का आखिरी वक्त है, फिर कभी बारी नहीं आएगी। जिस दिन हुकूमत से निकल गई, राबता कमेटी समेत तमाम कौंसलर जेलों में होंगे। मुस्तफा कमाल का दावा, पीपल्स पार्टी और PTI सिंध के साथ मुखलिस नहीं है। विफाक को IG सिंध की तब्दीली में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मुस्तफा कमाल। पार्टलेन रेफरेंस और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ अली सरतारी और दीगर मुलजिमान पर फर्दे जुर्माइत करने की कार्रवाई 11 फरवरी तक मौखर। हुसैन फैसल भी वादा माफ गवाह बन गए। नैब हुकाम ने रिपोर्ट इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा कम्युनिकेशन में गैर कानूनी भर्तियों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने गलत बयानी पर सूबाई हुकूमत को 5 लाख जुर्माना कर दिया। आपने सरकारी महकमों को अपनी जागीर समझा हुआ है, क्यों ना पूरे एडवोकेट जनरल ऑफिस को ही मुअत्तल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। कराची में गिरफ्तार साबिक MNA निसार पनहोर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। MKM रुकन 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। निसार पनहोर लोगों को दहशतगर्दी के लिए उकसा रहे थे, पुलिस हुकाम का मौका।
پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن، ایف اے ٹی ایف کا پاکستان کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار۔ اجلاس میں 27 شرائط پر عمل درآمد کا جائزہ۔ کل عدم تنظیموں پر پابندیاں لگا دیں۔ دہشت گردوں کو فنڈنگ روکنے اور اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات پر حماد اظہر کی بریفنگ۔ دو سے آٹھ فروری تک تجارتی مقاصد کے لیے پاک چین سرحد کھولنے کا فیصلہ۔ تاش کورغن میں برفباری کے باعث پھنسے 186 مال بردار کنٹینر پاکستان لائے جائیں گے۔ سرحد کھولنے کی درخواست چینی حکومت نے کی تھی۔ لاہور سے لندن جانے والی پی آئی اے کی پرواز میں مسافروں اور عملے میں جھگڑا، خاتون سے بھی بدسلوکی۔ ہیترو ایئرپورٹ پر دونوں مسافروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مواخذے کی کارروائی کا آغاز۔ ریپبلکنز نے شواہد حاصل کرنے سے متعلق ڈیموکریٹس کی تین تحریکیں مسترد کر دی۔ کارروائی جنوری کے آخر تک مکمل ہونے کا امکان۔ جو بھی کیا ملکی مفاد میں کیا، مخالفین مجھے شکست نہیں دے سکتے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ پاکستانی کوہ پیما اسد علی میمن کا بڑا احساس۔ جنوبی امریکہ میں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ اکنگوا سر کر لی۔ 23,000 فٹ بلند چوٹی پر 50 میٹر طویل قومی پرچم لہرا دیا۔ کامیابی پاک فوج اور کشمیریوں کے نام۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل اور میں ہوں آمنہ سجاد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا 9/11 کے بعد۔ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے، پاکستان اب کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ Cannot make your economy grow unless and until there is peace and stability. Pakistan in the 80s became part of what was the Afghan Jihad. You need peace and order. So if you have armed militias in your country, that became one of the impediments on economic growth. In Pakistan now, virtually there's no terrorism in Pakistan, and I have to pay tribute to our security forces. They did such a brilliant job, and it was for a while. We went through a really difficult period, but thanks to them, there is hardly any terrorism. I mean, you have the odd problem, but you know, that you have anywhere in the world. Problem now is we need peace in Afghanistan and stability. Whatever terrorism now comes into Pakistan every now and then is from Afghanistan. And that's why this peace process in Afghanistan is very important. I do not understand why countries go to resolve the differences through military conflicts. The moment you start a military conflict, you don't know where it is going to go. You can start a conflict, you don't know when it will finish. And the worst thing that could happen is if there's a conflict between Iran and the US and its allies, it'll be a disaster. It'll be a disaster for us. Pakistan will be a disaster. It'd be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets and our current account situation. Suddenly everything will be offset. It'll cause poverty in the world, and God knows how long it will go on. So, you know, we in Pakistan pray that this does not happen. We have tried our best. We've already talked to Saudi Arabia, Iran, the United States. I spoke to President Trump yesterday, and I told him that this would be a disaster for us if this war starts. وزیراعظم پاکستان نے اس سے پہلے کہا کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں ہے۔ میں نے ہمیشہ طاقت کے استعمال کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی صورتحال سے متاثر ہوتا ہے۔
امریکہ کو آخر کار امن مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت سرحدوں کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آئیڈیالوجی آف ہندوتا which is the RSS philosophy, which was inspired by the Nazi, built on hatred against other races like Muslims, Christians. I just think that the path which India is going is a disaster for India. What happened in Pulwama, the whole election campaign, which Narendra Modi won hands down, was actually hatred against Pakistan. Worry is that, you know, to take attention away from if things get worse there. Already there's a bombing along the line of control. Things could get... وزیراعظم عمران خان کی عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر غیر رسمی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیراعظم پاکستان سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری شریک تھے۔ پاکستان میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایوانکا ٹرمپ کے ممکنہ پروگرام پر بات چیت کی گئی۔ اہم معاملہ ہے، آٹے کی قیمتیں کم نہ ہونے پر عوام پریشان ہیں۔ آٹا 60 سے 75 روپے فی کلو تک فروخت ہوتا رہا۔ پشاور میں روٹی کا وزن کم کرنے کے بعد تنور کھل گئے ہیں، جبکہ اگر کوئٹہ کی بات کریں تو نان بھائیوں کی روٹی مہنگی نہ کرنے پر 24 جنوری سے ہڑتال کی دھمکی سامنے آئی ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر گندم بحران کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ ادھر پنجاب کے سیاسی میدان میں ہلچل ہے۔ تحریک انصاف کے 20 ارکان پر مشتمل فارورڈ بلاک کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فارورڈ بلاک بنانے والوں کو بلوا لیا ہے۔ ملاقات کے لیے تمام ارکان وزیر اعلیٰ پنجاب کو تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ قاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین بھی حکومتی اتحاد کے معاملے پر بول پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں محض اتحادیوں کی کیٹیگری میں نہ رکھا جائے، ہم تنقید نہیں کرتے بلکہ تجاویز دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے بعض ہواری غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں گے، جہاں پر تین ہٹی کے قریب جھگیوں میں خوفناک آتش زد کی آگ لگنے سے 100 سے زائد جھگیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جھگیوں میں پھنسے افراد کو نکالا۔ وزیر اطلاعات سندھ کے اعلان کے باوجود امداد متاثرین تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.